Hello student, how are you all? Hello ma'am, I'm fine. What about you? But I'm also fine. Today we'll discuss. Hello ma'am, I'm fine. Also fine, Bita. Thank you. And today we will discuss about phoning junction. In phoning junction, हम same sound करने वाले हैं. Same sound, okay? So that I am going to share your book. आपकी वॉइस नहीं है. बेटा मेरी वॉइस नहीं जा रही आप लोगों को? मैम प्रॉपर आ रही है. मैम आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है. ओके बेटा, हाँ हो सकता है साक्षी आपके पास नेटवर्क तो चेक कर लीजिए. दैट्स मुझे भी आपकी वॉइस में प्रॉब्लम्स लग रहा है. तो आप वन टाइम नेटवर्क एंड प्रॉपर नेटवर्क में आइए. After that, phonic junction, read the line from the story. Because the leader of the herd is a tusker, looming large and powerful. And all the creatures who has a grudge against Bukka start to choose. The letter G in large and the letters B grudge are the pronounced in the same way. बेटा अब कुछ words जैसे large and grudge words highlighted है ना? Yes ma'am. So these words are same pronounced. Yes ma'am. Same sound में pronounced होंगे जैसे grudge and large. Grudge, large आप ये G sound देख सकते हैं. डी जी है फिर भी हम इसे जा पढ़ रहे हैं एंड लार्ज है ए जी फिर भी हम इसे जा ही पढ़ रहे हैं. लार्ज एंड ग्रज. ओके यस मैम. ओके बेटा आफ्टर दैट लेट अस लुक सम मोर सच वर्ड. जायंट, जिराफ, ब्रिज, बैज. बेटा बेटा जाइंट मीन्स, जाइंट मीन्स संजना, संजना जाइंट मीन्स क्या बेटा? संजना यस. आस्था यस मैम. मैम विशाल या बड़ा? बेटा जाइंट मीन्स विशाल या बड़ा. नो चल राजपाल हूँ. चल बेटा राजपाल. शिवान्या राक्षस. राक्षस वेरी गुड. तो जाइंट एंड ब्रिज. ब्रिज मीन्स पोल. Apple. Yes. Giraffe and bat. Bat जानते हैं? B A D G bat. Bat जो आप use करते हैं means इन्हें कह सकते हैं Indian festival जो हमारे festivals हैं जैसे 26 January and 15th of August. तो ऐसे में आप use करते हैं. बैच मीन्स आप कह सकते हैं बिल्ला लगाते हैं. यस यस मैम. यस बेटा तो बैच मीन्स बिल्ला. आफ्टर दैट यस मैम. जिम. जिम आप लोग जान ही रहे होंगे. तो देखिए जी. यस मैम. तीन समय पढ़ना क्या है? सेम प्रोनाउंस. अब देखिए जिम एंड बी जी ई ज नॉलेज एन एन के एन ओ डब्ल्यू एल ई बी जी ई नॉलेज. फिर देखते हैं जल जा जल एंड जज बी जी ई जज मीन्स डी जी ई को हम प्रोनाउंस करेंगे एंड जी को प्रोनाउंस करेंगे ज. ओके यस मैम.
ऐसे ही yes, ma'am. जेम, जेम, बेटा जेम मीन्स मैम जेम मीन्स जेम 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 मीन्स आप कह सकते हैं ज्वेलरी रत्न जेम जेम ये जो जेम है जेम जेम इट इज द रत्न ओके एंड एज अब एज मीन्स एज मीन्स कोना कोना वेरी गुड बेटा एंड जर्नल एंड गजेट सामान्य ओके जर्नल मीन्स सामान एंड गजेट मीन्स गैजेट आप यूज करते हैं गैजेट गजेट मैम यंत्र वेरी गुड एंड केज केज मीन्स सभी को पता है पीड़ा एंड बजट बजट यू जी डी जी ई जस्ट बजट बजट मीन्स आप कह सकते हैं लेखा जोखा जो बजट लोग ब्योरा बनाते हैं है ना यस मैम ओके तो नाउ फाइंड आउट the g and b g e words from these sentences and write them in your notebook then read the words aloud aapko sentence mein clear karna hai ki find out g and b g e words from the these sentences kaun se words aapke g ke hain and kaun se b g aap dekhiye identify kariye in this sentence policeman said that he did not journally wear his badge journally badge so journally mein aap dekh sakte hain g aapka hai and badge mein b g e okay yes ma'am यस बेटा तो आपको इन नोटबुक आप बुक में भी राइट कर सकते हैं तो कैसे अगर बुक में राइट करेंगे तो कैसे करेंगे वर्ड्स विथ जी एंड वर्ड्स विथ डी जी ऐसे इधर की कॉलम बना लीजिए या फिर इस टाइप कॉलम बना लीजिए अदरवाइज नोटबुक में राइट कीजिए जैसी आपकी मर्जी मैम सेंटेंसेस भी राइट करना है बेटा सेंटेंसेस नहीं राइट करना है ओनली वर्ड्स राइट करने हैं find out the G and B G E words from the these sentences. I write them in the your notebook. पहले आप identify करेंगे, फिर notebook में write करेंगे. इसके लिए लेकिन आपको column बनाना है. आप book में भी write कर सकते हैं. अगर आपकी wish है कि मैं book में write करूँ, कुछ ऐसे side में line की draw कर लीजिए. And इस side write कीजिए G which G words and इस तरफ write कीजिए which B G E words. Okay? समझ पा रहे हैं सभी ना यस मैम यस मैम यस बेटा तो दैट आपको जर्नली जी वाले टॉपिक में यस मैम एंड बैड आपका डीजी वाले कॉलम में राइट कर देना अंडरस्टूड यस मैम सभी को समझ आ रहा है ना यस मैम यस मैम नेक्स्ट क्या है दीप्सित Dipsy's knowledge of gadget is not very good. Gadget and knowledge, आपको दिख रहा होगा ना? And yes, ma'am. बेटा राजपाल, you tell राजपाल, you tell. Yes, ma'am. G words का कौन सा words है? And DGE से related कौन सा words है? राजपाल मैम गैजेट गैजेट मींस गैजेट आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे कौन सी कैटेगरी में से राइट करेंगे जी वाली डीजी या डीजी वाली कैटेगरी में ओके एंड और कोई वर्ड यस मैम और बताइए नॉलेज 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 शिवान्या यू टेल नॉलेज को किस कैटेगरी में आप रखेंगे किस कॉलम में
being. Okay. Mamta, you tell. Knowledge को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? कौन से कॉलम में, जो भी आपने कॉलम बनाया है, किस कॉलम में रखेंगे? अनुष्का, यू टेल. MG. ओके, अनुष्का, यू टेल. MG. बेटा, और भी कोई वर्ड जो इस सेंटेंस में हो, और वो की वर्ड? एडजेक्ट. यस, टेल बेटा. बेटा, आस्था, और भी कोई वर्ड सेम में? क्वेश्चन टॉपिक नंबर सेकंड बी में कोई और भी वर्ड है नॉलेज के बाद? गुड गुड गुड. ओके, गुड 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 को किस कैटेगरी में? जी जी. ओके, नेक्स्ट, हेनरी सा द जायंट near the edge of the bridge. Sikhar, on the video. Tell Sikhar, see sentence mein, see sentence mein kaun kaun se words aapke G sound se related G. मैम, क्वेश्चन दोबारा बोलिए. यस बेटा. मैम, क्वेश्चन दोबारा बोलिए. बेटा, हेनरी सा द जायंट स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द ब्रिज. इनमें कौन कौन से वर्ड्स आपके जी से रिलेटेड है? मैम, मैम, जी से? यस मैम, जायंट. और बेटा, हमें सेम साउंड, ये जे जो जा है, ये सेम साउंड है. जैसे जायंट में जा, एज में जा, एंड ब्रिज में भी जा. बस आपको कैटेगरी डिफरेंट करनी है, अलग अलग करनी है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसे एज एंड ब्रिज को आप बीजी वाले कॉलम में राइट करेंगे, एंड जाइंट को जी वाले कॉलम में राइट करेंगे. अंडरस्टूड? मैम, बेटा, मैम, सभी को समझ में आ रहा है ना? यस मैम. मैम, नोटबुक में राइट. नेक्स्ट देखते हैं बी. ममता, टॉपिक नंबर डी आप रीड करिए. आई फेल्ट सैड व्हेन आई सॉ द जिराफ इनसाइड अ केज. ओके, इन दिस सेंटेंस कौन कौन से क्वेश्चंस में, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर रही है? जिराफ एंड केज. जिराफ एंड केज. जिराफ को किस किस कॉलम में रखेंगे? एंड किस कॉलम में रखेंगे ममता? मैम, जी राइट करना है. एंड एजी में बेटा, केज एंड जिराफ बोथ इज कॉलम जी, है ना? यस मैम. आप चाहे जहाँ राइट कीजिए. आपको चैप्टर 5 की वर्ड मीनिंग स्टैंड हो गई है ना, चल गई होगी चैप्टर 5 की वर्ड मीनिंग. यस मैम. यस बेटा, राइट करने के बाद आप सारे सॉल्व करिएगा, जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे या जो भी टॉपिक्स होंगे. ओके. यस मैम. ओके बेटा. मैम, हम क्वेश्चन आंसर राइट कर लिए हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं.
लिखा था yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चैप्टर जहाँ से स्टार्ट करेंगी वहाँ चैप्टर चैप्टर फाइव नंबर डाल देंगी एंड बुक का लेंथ द लेसन डाल करके आप राइट कर लीजिएगा. ओके यस मैम. ओके तो द लायर टोल्ड द जज दैट द क्राइम हैड टेकन प्लेस नियर द जिम. यस अनुष्का. अनुष्का जज एंड जिम. बेटा जज जज को एंड जिम क्लियर है. जिम को आप जी कैटेगरी में रखेंगे एंड डी जी ई में जज. ओके बेटा सभी को ये टॉपिक समझ में आया. यस मैम. यस मैम. ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. बुक सी. ओपन बुक सी. बेटा रीडिंग जंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने किए. यस बोथ. बोथ क्वेश्चंस किए ना. यस मैम. स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक को. वोकैबुलरी जंक्शन. वोकैबुलरी जंक्शन भी आप लोगों ने किया है सभी ने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And after that, topic हमारा है phonic junction. बेटा vocabulary junction में किसी को कोई problem? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. But आप लोग work नहीं send करते हैं. ये problem है. हम send किए थे. Yes, बेटा. Ma'am send किए हैं. सम स्टूडेंट ही बेटा सारे मुझे सभी के वर्क चाहिए. सभी को वर्क करना है. एंड फोनिक जंक्शन देखिए क्या है. फोनिक जंक्शन फिल इन फिल द गिवन वर्ड इन द मैच. फाइंड सॉरी फाइंड द गिवन वर्ड इन द मैच. अब आपको जो वर्ड्स दिए हैं आपको इनमें सर्च करना कर लेंगे सभी. Yes, ma'am. बेटा आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको इसमें नीचे जो डाउन साइड है इसमें सर्च करना है. आई होप सभी कर लोगे है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसे कराने की जरूरत नहीं है कर लेंगे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा शिखर राजपाल कर लेंगे सभी ना. अनुष्का. यस मैम. यस मैम. ओके. यस मैम. ओके बेटा तो आफ्टर दैट वंस अगेन हम फिर चलते हैं बुके. ओपन बुके. ग्रामर जंक्शन. ओपन ग्रामर जंक्शन. ओपन किया सभी ने. यस मैम. यस बेटा वेरी केयरफुली अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो जैसे फोनिंग इज वेरी सिंपल वेरी इजी वैसे ही दिस टॉपिक इज वेरी इजी. बहुत ही इजी है बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही हाई लेवल की ना करके मीडियम पर चलना है और कुछ और नहीं सोचना है. समझ रहे हैं. सभी को क्लास में रहना है. जो बातें बताई जाएंगी उसे ध्यान से सभी सुनेंगे. ओके नेक्स्ट रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. इफ यू आर नॉट केयरफुल यदि आप केयरफुल नहीं रहते हैं तो क्या होता है. द बर्ड्स विल नेवर बी योर फ्रेंड. तो पक्षी जो है वो आपके फ्रेंड नहीं होंगे कभी नहीं होंगे अगर आप उनके लिए केयरफुल नहीं होंगे. उनके नेक्स्ट पर ध्यान नहीं देंगे डालियों को हिलाएंगे नहीं तब तो आपके फ्रेंड होंगे. बट अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो उन्हें परेशान करेंगे उनके चैट करेंगे उनकी ब्रांचेस को जिससे उनके नेक्स्ट टूट जाएंगे
तो दैट्स क्या होगा कि वर्ड्स विल नेवर बी योर फ्रेंड. तो जो वर्ड्स है वो आपके फ्रेंड कभी नहीं होंगे. अंडरस्टूड, समझ पा रहे ना? ये लाइन आपने पढ़ी रखी है ना? यस मैम. मैम, तो इट टॉक्स अबाउट टू थिंग्स. ये इसमें दो बातें हैं. फर्स्ट क्या है? इफ यू आर नॉट हियर. एंड सेकंड क्या है? बर्ड विल नेवर बी योर फ्रेंड. टू सेंटेंसेस हैं. यस मैम. फर्स्ट इज यू आर नॉट केयरफुल. यदि तुम केयरफुल नहीं रहते हो तो क्या होता है? द वर्ड. ये सेकंड है. एम एक्सक्यूज मी. यस बेटा, चल मैम, वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए. चैप्टर 5 की मैम, मेरी नोटबुक खो गई थी. नोटबुक खो गई बेटा? हु आर यू? साक्षी. मैम संजना थी. संजना बेटा, इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में आप अपने फ्रेंड की हेल्प लें. मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती. आप घर पर हैं, आपकी नोटबुक अगर खो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स, सभी के पास ग्रुप में नंबर है सभी का, उसे कांटेक्ट कीजिए और पर्सनल अपने व्हाट्सएप पर उसे वर्ड मीनिंग सेंड कर लीजिए. कह दीजिए वो आपको सेट कर देंगे. ओके संजना बेटा, समझ पा रही हैं आप? ओके तो बेटा सभी अपने नोटबुक को, बुक्स को संभाल कर रखिएगा. किसी की नोटबुक खोएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की नहीं होगी, क्योंकि आप स्कूल तो आ ही नहीं रहे हो. समझ रहे हैं ना? यस मैम. और सभी का रिटर्न वर्क कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज आई होप जल्दी से जल्दी स्कूल खुलने वाला है. जैसा जैसे इंफॉर्मेशन सुनने में आ रहा है, तो आफ्टर सम डेज आपके स्कूल खुल जाएंगे तो आपकी नोटबुक क्लियर होनी चाहिए. मुझे सभी की नोटबुक कंप्लीट एंड क्लियर चाहिए. अंडरस्टूड? यस मैम. चैप्टर कंप्लीट है. यस बेटा, बिल्कुल क्लियर. अच्छी राइटिंग, वेल राइटिंग में होना चाहिए. नोटबुक, बुक, सभी कुछ कंप्लीट होना चाहिए. समझ रहे हैं ना? यस बेटा. तो मेन टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट सेंटेंसेस क्या है? इफ द एलिफेंट आर नॉट केयरफुल. यदि एलिफेंट केयरफुल नहीं है तो बर्ड्स विल नेवर बी देयर फ्रेंड. तो बर्ड्स उनके दोस्त नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, इफ द फर्स्ट इवेंट टेक्स प्लेस. यदि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो अपने प्लेस पर इवेंट हो रहा है, घटित हो रहा है, तो सेकेंड इवेंट विल आल्सो टेक प्लेस. तो सेकेंड भी अपनी जगह पर, अपने समय पर वो भी घटित होगा, वो भी घटनाएं होंगी. जैसे फर्स्ट अगर हम किसी को पनिश करेंगे तो दैट्स रिप्लाई उसमें रिमूव होगा, उसमें इम्प्रूव आएगा ही, है ना? इम्प्रूव होगा. अगर आपको पनिश किया जाएगा, आपको सजेस्ट किया जाएगा, तो आई होप आप में जरूरी कुछ ना कुछ इम्प्रूव आएगा ही, है ना? यस मैम. यस बेटा. यस मैम. पहली फर्स्ट इंसिडेंट आपकी हैपनिंग होती है तो सेकेंड इज आल्सो विल हैपन. तो सेकेंड भी होगा. अंडरस्टूड? यस मैम. यस. सच सेंटेंस है वर्ड इफ. फर्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा इफ से. इफ मीन्स नानी. यदि. यदि. यदि मीन्स यदि. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? इफ से. दे स्टेट ऑफ कंडीशन. इफ वी प्लीज इफ क्लूज द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस वी एड अ कॉमा आफ्टर दैट. मीन्स जब हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होगा तो हम सेकंड स्टार्ट करने से पहले कॉमा एड करेंगे.
कॉमा लगाएंगे, आफ्टर दैट हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड सेंटेंस को राइट करेंगे. अंडरस्टूड? यस मैम. बेटा सभी समझ पा रहे हैं ना, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं. यस यस मैम. ये जो मार्क है अपसाइड राइट है, ये कौन सा मार्क है, इसे क्या बोलते हैं? चल एनीवन, कोई भी. चल इनवर्टेड कॉम. ओके, एंड इट इज आल्सो इनवर्टेड कॉम. बोथ इज इनवर्टेड कॉमा एंड मिडिल साइड सेंटेंस नंबर वन आफ्टर दीज कॉमा ये लगा है, इसे हम कॉमा बोलते हैं. मीन अपसाइड टू कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, डाउन साइड वन इज कॉमा. ओके मैम. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. एग्जांपल, इफ एनी मेंबर ऑफ द हेड फेस चेंज हो, यदि हमारे ग्रुप में का कोई भी मेंबर फेस चेंज खतरे का सामना करता है, एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प, तो सभी को दौड़ करके उसकी हेल्प करनी चाहिए. बेटा समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम. यस मैम. मींस फर्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए स्टार्ट हो रहा है इससे, एंड सेकंड जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मिडिल में आप देख सकते हैं कॉमा लगा हुआ है. सभी को दिख रहा है ना? यस मैम. यस. सेकंड देखिए. यस मैम. द रोड्स विल बी मडी. रोड्स विल बी मडी, कीचड़ युक्त हो जाएंगी. रोड्स विल बी मडी, जो रोड्स हैं वो कीचड़ युक्त हो जाएंगी. इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है इसमें? इफ यू ब्रेक वेरी गुड. इफ इट रेन्स. ओके वेरी गुड. फर्स्ट सेंटेंस बाद में राइट है वो अलग चीज है, बट आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है? इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी तो द रोड मडी, तो सड़कें कैसी हो जाएंगी? जाएंगी. मींस इसमें आपको कंफ्यूजन कर दिया गया है जो सेकंड टॉपिक है. फर्स्ट सभी को समझ में आ रहा है? मींस जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं, एंड सेकंड जो बात पहले राइट कर दिया गया, द रोड्स विल बी मडी. ओके, मींस आपको ये कंफ्यूजन में डाल दिया गया, मींस आपको कंफ्यूज नहीं. यस मैम. यस मैम. ओके, तो आप देखिए आप क्या करना है, कंप्लीट दी सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्टोरी. ध्यान से सुनेंगे सभी, आपको होमवर्क करना है ये. देखिए होमवर्क क्या है, इफ यू ब्रेक ब्रांचेस विथ फ्लावर. बेटा स्टोरी को कहां से कंप्लीट, सेंटेंस को कहां से कंप्लीट करना है? बेस्ड ऑन स्टोरी. स्टोरी से इफ यू ब्रेक ब्रांचेस विथ फ्लावर, यदि तुम फूलों के ब्रांचेस को, फूलों सहित फूल लगे हुए, मंजरी लगी हुई है, ऐसी ब्रांचेस को तोड़ते हो तो क्या होगा? कॉमन लगा है तो यस अनुष्का. चल बटरफ्लाइज विल नॉट बी योर फ्रेंड. वेरी गुड बेटा. बटरफ्लाई विल नॉट, बटरफ्लाइज एंड बीज. ओके, एंड will not be your friend, या ये भी कह सकते हैं and the bees and the butterfly will die, मर जाएंगी. जो bees हैं, मधुमक्खियां हैं and butterflies हैं, हाँ will die, वो मर जाएंगी. या फिर ये भी कहते हैं the butterfly not seen in the flower, stand walking with the butterfly not seen the flower. Okay,
If the big animals are not careful while sitting down, जब बड़े एनिमल्स ध्यान नहीं देंगे जब वो बैठेंगे तब क्या होगा? यस बेटा अनुष्का, आर एनिमल आर डेड, आर एनिमल आर डेड। बेटा क्रैस, क्रैस स्मॉल क्रिएचर एंड स्मॉल एनिमल, तो उनके हैवी लोड से क्रैस हो जाएंगे, दब जाएंगे, स्मॉल क्रिएचर। ओके समझ पा रहे हैं सभी ना? आप चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, जगह जब भी एनिमल्स आर नॉट केयरफुल व्हाइल सिटिंग डाउन, तो लेइंग डाउन सिटिंग डाउन में आपने देखा होगा एलिफेंट्स को जब बताया जा रहा था कि आप देख कर बैठिएगा नहीं तो स्नेल आपके नीचे दब जाएगा, ऐसी कोई बात आई थी ना? यस मैम। बेटा तो मैं समझ, स्टोरी को हमें ध्यान में रखना है। ओके यस मैम, यस मैम। तो इफ द एनिमल्स फाइंड फूड, या एनिमल्स अच्छा भोजन पाते हैं तो क्या होना चाहिए? शेयर विथ अदर, शेयर विथ ऑल एनिमल, शेयर विथ ऑल एनिमल्स। एल्डर एलिफेंट ने यही तो समझाया था कि अगर आपको अच्छा भोजन मिले तो हमें शेयर कर लेना चाहिए, है ना? यस मैम, यस बेटा। तो मैं आफ्टर आफ्टर देर आर नो बटरफ्लाई, अगर बटरफ्लाई नहीं होंगी, मीन्स आप लोगों ने ये भी टॉपिक पढ़ा है कि मीन्स आपने जो गार्डन लगाया है, जो क्यारी लगाई है, अगर उसमें बटरफ्लाई नहीं होगी तो कैसा होगा? There be no flower or fruit seeds. Yes, बेटा, very good. So, and if there is fire in the forest, यदि जंगल में आग लग जाए तो क्या होगा? हमें इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा पहले? The squirrel will inform the other animals. Squirrel ही तो फायर लगने पर इंफॉर्म, squirrel animal are not living. मीन्स इस टॉपिक को सभी लोग कर लोगे ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट देखिए, यस मैम। बेटा आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस और है, आपने फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस राइट है, आपने सेकंड राइट किया। अगर हम सेकंड राइट हो फर्स्ट राइट करना है तो फिर मीन्स इफ क्लॉज, इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपको राइट करने हैं। आई विल नॉट गेट वेट इन द रेन, हम रेन में नहीं भीगेंगे। इफ क्या? विल, If we will carry umbrella, यदि हम umbrella लिए होंगे तो हम बारिश में नहीं भीगेंगे। समझ पा रहे ना? Yes ma'am, yes बेटा। ऐसे फिर देखिए, you will fall down, आप गिर जाएंगे। If the road is full of muddy, if the road is full of muddy, यदि जो सड़क है वो कीचड़ युक्त होगी तो you will fall down, तो आप गिर जाएंगे। Means इस तरह के sentences को आप कर लेंगे ना? Yes ma'am। ऐसे फिर देखिए, the road is blocked, जो road थी वो बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? If ran very very heavily, if runs very heavily, the road will be blocked. Okay? I cannot play with. कर लेंगे सभी ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा इजी टॉपिक है क्या? डिफिकल्ट है? अगर हार्ड लग रहा हो मैम, इजी है। इजी, ओके, कर लेंगे मैम सभी। ममता, राजपाल, शिवान्या, नैना, संजना, कर लीजिए।
बेटा सेकंड मैंने आपको फर्स्ट एंड थर्ड बताया, अब सेकंड देखिए, ये भी बहुत इजी है बट इसमें आपको वर्ब का ध्यान देना है। इंसर्ट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट की जो वर्ड्स दिए हैं इनकी फॉर्म सही राइट करनी है। मींस इफ यू नॉट स्टडी यू फेल इन द टेस्ट, तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू फेल द टेस्ट, तो तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे। तो कैसे राइट करेंगे, इफ यू डू नॉट स्टडी, यदि तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ते हो, आज नहीं पढ़ते हो, इफ यू डू नॉट स्टडी तो यू विल फेल, यू विल फेल द टेस्ट। ओके, समझ पा रहे हैं सभी ना? यस यस बेटा, सेकेंड सेंटेंस फ्यूचर में करना है एंड फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में करना है, अंडरस्टूड? यस मैम। यस बेटा, यस मैम। देखिए, यू इफ यू वॉक द डॉग यू गेट योर पॉकेट मनी। अब इफ यू वॉक, बेटा वॉक ही यहाँ राइट करेंगे बिकॉज यू हम प्लूरल मानते हैं तो दैट यस का यूज नहीं करते हैं ना, यस तो हम सिंगुलर के साथ यस या यस का यूज करते हैं, तो दैट यस या यस नहीं लगेगा। तो इफ यू वॉक द डोर द डॉग यू अप यू विल गेट योर पॉकेट मनी। ओके, यस मैम, यस मैम। अब देखिए यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, मीन्स यहाँ यू है, यू के साथ हम डू नॉट यूज करेंगे ना, यू के साथ डू नॉट यूज करेंगे ना। तो इफ यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द ट्रेन। ओके, यस मैम, समझ पा रही है? Yes, संजना, संस्था, शिवान्या, समझ पा रही हैं आप लोग? राजपाल, यस मैम। राजपाल, समझ पा रहे हैं? यस मैम। यस बेटा, तो इस टॉपिक को भी आपको होमवर्क में करना है, अंडरस्टूड? यस मैम, यस मैम। यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय बेटा, सभी को वर्क सेंड करना है। ओके, यस मैम।